हे गाइस, आज मैं आप लोग के साथ बैगन का एक नया रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और इससे पहले भी मैंने बैगन का एक दो रेसिपी आप लोग के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, और एक तीसरा मैं एक नया रेसिपी आप लोग इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और आप लोग भी इसे घर पर ज़रूर बनाइएगा। सो वेलकम बैक टू माई चैनल देसी खाना खजाना, मैं सरोजनी। तो देखिए, मेरे को यहाँ पर टोटल ये चार चीज़ों से ही मैं आप लोग को बना के दिखाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले बैगन को मैंने अच्छे से धो के इसे मैंने अच्छे से एक कपड़ा में पोंछ ली थी। इसके बाद आप मैं ऊपर में सरसों का तेल ऊपर में इस तरह से आप लोग लगा लीजिएगा। और देखिए, लहसुन को मैं यहाँ पे छील के भी रखी हूँ। अब बीच से आप लोग इस तरह से चीर के ना वो जो लहसुन है इसे आप लोग इसके अंदर डाल दीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली हम लोग को इसे जलाना है, तो लहसुन एक्चुअली थोड़ा सा इस तरह से आप लोग जलाएँगे तो उसका जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा अच्छा लगता है, और उसका जो स्मेल भी होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले आप लोग इस तरह से बैगन को बीच से आप लोग इस तरह से चीर के इसके अंदर में आप लोग लहसुन को डाल दीजिएगा। अब चाहो तो आप हरा मिर्ची को भी आप इस तरह से भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग गैस में इसे अच्छे से जला लेंगे। तेल लगाने से क्या होता है ना, बहुत जल्दी ये जल जाता है और अंदर से भी पक जाती है, ठीक है। तो बैगन को इस तरह से आप लोग अच्छे से पका लीजिएगा, मतलब जला लीजिएगा। इसके बाद मैं एक ही टमाटर ले रही हूँ, उसके बाद टमाटर को भी हम लोग अच्छे से जला लेंगे। टमाटर जला लेने के बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है, आप लोग देखते जाइए। तो आलू को मैंने बॉईल कर लिए थे, ठीक है। तो आलू को मैं इस तरह से इसका छिलका निकाल ली हूँ, और बैगन को आप लोग हमेशा थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इसके अंदर में कीड़ा रह जाती है ना। तो मैं सारा चीज़ों को देखे, तीनों चीज़ों को अभी हम मैश कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप तीनों चीज़ों को एक बर्तन में ले लीजिएगा और तीनों को आप लोग एक साथ मैश कर लीजिएगा। इसको आप लोग अच्छे से मैश कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग छौंका लगाएंगे, ठीक है। आप लोग देखते जाइए, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अच्छे से हमने मैश कर लिए हैं। अब हम लोग एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई पे मैं तेल ली थी। अब जो चावल बड़ी जो होता है ना, इसे हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ठीक है। हल्का सा आप लोग तेल दे के इसे हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा। 2 से 3 मिनट लगेंगे। आप लोग गैस को लो टू मीडियम फ्लेम में रखिएगा, ठीक है। हल्का सा इसमें ब्राउन कलर आ जाएगी, देखिए हल्का सा फ्राई हो गया। अभी हम लोग इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, ठीक है। इसे निकाल के आप लोग थोड़ा सा इसे अपने हाथों से क्रश कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग देखिए आगे। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे पंचफूरन दिए। इसके बाद हम लोग 2 यहाँ पे सूखी मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो और भी सूखी मिर्च आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हरी मिर्च दूँगी, इसलिए 2 ही सूखी मिर्च ले रही हूँ, ठीक है। ये सबको थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज का प्याज को देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसे आप लोग ऐड कर दें। आप लोग चाहे तो प्याज कम ज़्यादा भी आप लोग कर सकते हैं। और जो लहसुन हमने बैगन में जलाए थे उसी लहसुन को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्च को यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग को प्याज पसंद नहीं है तो आप लोग प्याज को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा। प्याज देखिए जैसे फ्राई हो गया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली का पाउडर मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। तो इसके बाद ये मसाला को ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम को लो में रखिएगा, वरना मसाला आप लोग का जल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं हल्का सा पानी भी ऐड नहीं कर रही हूँ, इसलिए गैस का फ्लेम को आप लोग लो रखिएगा। इसके बाद हम लोग जो बड़ी था देखिए यहाँ पर मैं क्रश कर ली हूँ इसे फ्राई करके, तो इसे आप लोग इस वक्त ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसे आप थोड़ा सा आप लोग मिला लीजिए मसाला में। और इस वक्त हम लोग जो है इसे थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए हम लोग फ्राई करेंगे। देखिए 1 से 2 मिनट ये इसे हम लोग अच्छे से भून लिए हैं। अभी जो हमने मैश करके रखा है इसे टमाटर बैगन और आलू इसे आप लोग इस वक्त ऐड कर दीजिएगा। इसे ऐड करने के बाद आप लोग नमक ऐड कीजिएगा स्वाद के अनुसार। एक्चुअली नमक ऐड करने के लिए मैं थोड़ा सा भूल गई थी, तो मैं लास्ट में उसे ऐड कर रही हूँ। तो इस वक्त आप लोग नमक ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब को ऐड कर लेने के बाद इसे आप लोग अच्छे से मिला लीजिए। इसे मिलाने के बाद ना आप लोग इसे 6 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में आप लोग इसे भूनिएगा। आप लोग जितना ज़्यादा इसे भूनेंगे ना उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट निखर के आएगा, ठीक है। तो आप लोग 6 से 7 मिनट आप लोग लो टू मीडियम फ्लेम में गैस को रखिएगा, ठीक है, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। तो देखिए
छः से सात मिनट के लिए हम लोग इसे अच्छे से भूनेंगे। देखिए मैं इसे छः से सात मिनट के लिए मैं अच्छे से भून चुकी हूँ और एकदम बिल्कुल ये बनके तैयार है ना, एक न्यू रेसिपी। आप लोग इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को इस रेसिपी कैसा लगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का फाइनल ये बन के तैयार है। आप लोग इसे रोटी के साथ या चावल के साथ आप लोग इसे खा सकते हैं। यकीन मानिए मैं आप लोग को वादा करती हूँ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। और आप लोग को जो भी रेसिपी चाहिए ना, आप लोग मुझे कमेंट सेशन में आप लोग मुझे बता सकते हैं, तो मैं आप लोग को उस रेसिपी शेयर करूँगी। सो जो भी मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।